कहां तुम चले गए। जी हां, आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। देश भर में ऐसे जितने भी परिवार हैं जिन्होंने केदारनाथ में एक बरस पहले उस त्रासदी में अपनों को खोया है या फिर आज भी इंतजार कर रहे हैं, आज उस दर्द को समझने का दिन है। क्योंकि हम और आप आंकड़ों में उलझ कर रह जाते हैं कि इतने लोग मारे गए थे, लेकिन इनके लिए इनका परिवार उस दिन एक तरह से मिट गया था और कभी ना खत्म होने वाला गम इनके हिस्से में आ गया था। ये तमाम लोग हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, इनके दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, शरीक होंगे, हिस्सा बनेंगे। लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं, देश भर में अलग अलग जगहों पर पूजा की गई और इसी के जरिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई जो शायद उस त्रासदी में नहीं रहे। केदारनाथ आपदा की पहली बरसी पर देश भर में शोक व्याप्त है। इस आपदा में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोगों के शांति के लिए देश भर में हवन पूजन और प्रार्थना सभाएं की गईं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनको याद किया गया जो आपदा में अपना जीवन गंवा बैठे। लोगों ने उनके लिए सैकड़ों लौ जलाई जिनकी जिंदगी की लौ केदारनाथ आपदा में बुझ गई। ताजनगरी आगरा में भी आपदा के जाने अनजाने मृतकों के लिए भजन कीर्तन कर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। गुजरात के अहमदाबाद में मृतकों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया गया। लोगों ने एकजुट होकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रलयंकर महादेव के नाम का जाप किया। पिछले बरस की केदारनाथ यात्रा देश के तमाम हिस्सों के तीर्थयात्रियों की अंतिम यात्रा साबित हुई। हिंदू संस्कृतियों के तमाम रीति रिवाजों के अनुसार उनका दाह कर्म नहीं हो सका। वो तीर्थयात्री अंतिम तीर्थ पहुंच गए जो अकाल काल को प्राप्त हुए। अब उनके लिए प्रार्थनाएं बाकी हैं ताकि हिंदू मान्यताओं के हिसाब से आत्मा को शांति प्राप्त हो सके। आज तक ब्यूरो। किस किस बात पर रोए। किसी ने देखा कि उनके अपने नीचे तक आ गए थे लेकिन उसके बाद वो नहीं मिले। किसी को अब यकीन नहीं हो रहा कि हमेशा के लिए खो दिया। अंतिम संस्कार अपने बच्चों का नहीं कर पाए तो कोई अपने परिवार के उस गम पर रो रहा है। इसीलिए कई हमारे साथ ऐसे परिवार मौजूद हैं जो अपना दर्द हमें आज बता रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं आपको लिए चलूं एक बार भोपाल, जहां से राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी, आपका दर्द, क्योंकि तस्वीर आपके हाथ में है, अब सब कुछ एक तस्वीर में सिमट कर रह गया है, बताइए हमारे दर्शकों को। ये हमारी बहन है, ये उनका बालक छोटा सा 9 साल का, ये आलोक शर्मा है। ये उनके हस्बैंड है मनोज शर्मा, ये उनकी मम्मी है भुरिया बाई। ये परिवार में 5 लोग थे। वो तो इत्तेफाक है कि एक छोटा बच्चा हमारे पास में बचपन से रहता था, तो वो हमारे पास में आज ये चारों के चारों वहाँ लापता हो गए हैं। इनकी कोई भी जानकारी नहीं आई हमारे पास तक कि अब वो हैं या नहीं हैं, ये कहीं गुम हो गए हैं या कहीं अभी इनका वजूद है, क्योंकि उस घर में आज ताला खोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं बचा है। इस बच्चे के जो हमारे साथ में है वो बचपन से हमारे साथ में रहता था, इसलिए उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, पर आज तक के हमें कोई जानकारी नहीं आ पाई है कि ये कहाँ पे है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है। उस टाइम में जब रेस्क्यू ऑपरेशन चला था तो इन तीनों लोगों के नाम आ चुके थे, पर वो लिस्ट में कहाँ चले गए, कहाँ नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इसकी। हमारे साथ हरि प्रसाद अग्रवाल जी जयपुर से जुड़े हुए हैं। हरि प्रसाद अग्रवाल जी, आपकी आप बीती क्या हुआ? ये मैम, ये मेरी ये तस्वीर लग रही है मेरे मम्मी पापा की है। इसके अलावा मेरे 2 भैया और 2 भाभी थे। 10 जून लास्ट ईयर 10 जून को यहाँ से क्या नाम विद्याधर नगर सेक्टर 5 से यहाँ से गए थे, तो वहाँ यानी क्या नाम उनसे लास्ट संपर्क 15 जून को हुआ। 15 जून के बाद कोई संपर्क नहीं हो पाया, तो इसका तो कोई है नहीं मतलब, कोई मतलब क्या बोलते हैं क्या ना, कोई प्रमाण नहीं है कि वो आज इस दुनिया में है क्या या नहीं है, लेकिन मेरा मानना कि वो है। मेरे को तो अभी भी कॉन्फिडेंस है कि वो कहीं भी है, किसी भी रूप में है,
भैया भाभी तो दूर की बात है, मम्मी पापा भी आज इस दुनिया से दूर नहीं है। ऐसी चीजें मैम आगे मतलब बोल पाना इम्पॉसिबल है मेरे लिए अभी। हेलो जी, आएंगे हरिप्रसाद जी और भी आपसे बातचीत करेंगे। समझना मुश्किल होता है इस दर्द को। किसी के हिस्से में एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो लगी है, किसी का पूरा परिवार तस्वीरों में सिमट कर रह गया है, उसी के साथ बाकी की जिंदगी काटनी है। जैसा कि यहाँ पर बैठे व्यक्ति भी बोल रहे थे कि एक दिन बस लगता है ये दिन गुजर जाए, आगे की बाद में सोचेंगे। इतना दर्द है और उस दर्द से हर दिन ये गुजर रहे हैं। हमारे साथ सौरभ मौजूद है यहाँ पर। सौरभ, चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ है हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे बड़े भाई थे जो इंडिविजुअली अपना वर्क करते थे, उनके अपने लॉज के साथ में, उनके लॉज के साथ में वो सात जन थे, पांच जन तो दो जन आ गए वापस, पांच जन वो अभी तक पता नहीं है उनका कहाँ पर है कहाँ नहीं है। क्या पता चला उन्होंने, जो दो लौट के आए उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि रामबाड़े में वो फ्लड आया, वो इस वहाँ से मिस हो गए, उसके बाद में उनका कुछ पता नहीं है। और प्रशासन से ऐसा है, हमने कहा उनसे जंगल, हमको पता चला जंगल चट्टी में कुछ लोग हैं, रेस्क्यू के बाद में हमने बोला कि हम अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर ले आते हैं जंगल चट्टी पर, हम देख के आते हैं, हमको परमिट करे। उन्होंने वहाँ से भगा दिया हम लोगों को कि वहाँ पर कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा है वहाँ पर। अब देखिए कल कुछ न्यूज़ चैनल में दिखाया गया था कि वहाँ पर कुछ लाशें पड़ी हुई हैं, कुछ पड़ा हुआ है, पता नहीं वो हमारी हैं या किसी और की हैं। उस परिवार से पूछिए जिसका वो अकेला एक व्यक्ति था जो खवाने वाला था वहाँ पर, अब उसके पीछे उसके माँ बाप रह गए, बच्चे हैं एक एक साल के, दो दो साल के, उनके साथ में क्या होगा? बलराम जी, आपने भी एक तस्वीर पकड़ी हुई है अपने हाथ में, बताइए। मैडम, मेरे फादर 9 तारीख को निकले थे यहाँ से और लास्ट हमारी बात 14 तारीख शाम को 8 बजे हुई है, और आपदा के बाद भी हमारी बात उनसे 20 के आसपास हुई है, और उस वक्त वो ठीक थे। उनके साथ में एक ब्लाइंड व्यक्ति था जिसको रेस्क्यू करके निकाला गया, और उनकी वाइफ और बेटा और मेरे फादर साथ में थे। लास्ट में ये हुआ कि उनकी वाइफ और बेटा निकल आए, लेकिन मेरे फादर का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, और जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में उनका नाम भी था। आप ही एक तस्वीर किसी महिला की दिखाना चाह रहे थे, जो तस्वीर है लग रहा है कि वो थी लेकिन उसके बाद नहीं मिली है, वो भी अपने घर अभी तक नहीं पहुंची है। ये तस्वीर है श्रीमती विमला परासर की, जो ग्वालियर से हैं जी। इनको भी रेस्क्यू किया गया था, इनका भी लिस्ट में नाम था हाँ। परंतु ये भी अभी तक अपने घर नहीं पहुंची हैं। इसके अलावा ऐसे 4-5 और लोगों को मैं जानता हूं जो अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे, जिनके तस्वीरें हैं। विमला पराशर आप नाम बता रहे हैं? श्रीमती विमला पराशर। विमला पराशर सिर्फ एक प्रतीक है, एक तस्वीर है। मैं आऊंगी सर। सभी परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है इंतजार कर रहे हैं, आज भी एक बरस बाद वो सब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है स्टूडियो में। हमारे साथ अशोक शर्मा जी हैं। अशोक शर्मा जी, आपके परिवार के 6 लोग थे, क्या हुआ था? मेरे ब्रदर, आपकी सबसे बड़ी शिकायत इस एक साल में क्या है? मेरे ब्रदर-इन-लॉ, उनके पूरा परिवार, उनके वाइफ बेटा बेटी बहू बेटा और पोता पोती सब 6 के 6 चले गए। पूरे ऑपरेशन में हम रहे 6 दिन वहाँ पर गुप्तकाशी में ऊपर वहाँ हेलीकॉप्टर पर, और उसमें कोई पता नहीं चला। अब हमारी सबसे बड़ी शिकायत यह है कि एक साल हो गया, इस बीच में हमने दर्जनों पत्र राष्ट्रपति से लेकर के LG चीफ सेक्रेटरी सबको भेजा, लेकिन दुख इस बात का है कि दिल्ली एक राजधानी होते हुए भी स्टेट कंपनसेशन नहीं मिला अभी तक, यहाँ पे किसी ने नहीं दिया। और जो सेंट्रल कंपनसेशन है 3.5 लाख रुपए का, वो भी केवल 143 लोगों में से मात्र 38 लोगों को मिला, और उत्तर प्रदेश में 1150 लोगों में किसी को नहीं मिला अब तक, किसी कंपनसेशन का एक नया पैसा नहीं मिला। और उल्टा और ये गवर्नमेंट कह रही है, UP गवर्नमेंट, के 5.5 लाख देंगे, जबकि 3.5 लाख रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले से उनका आया हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट का कुल 2 लाख रुपया मतलब उनको देना है, तो 3.5 लाख रुपये भी अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का आपने नहीं दिया। तो पब्लिक को झूठा एक आश्वासन, और एक साल में आपने क्या किया, ये सबसे बड़ी लापरवाही है। एक लापरवाही तो वहाँ की गई, जो लोग उनको जो बच सकते थे उनको मरने दिया गया, उनको बचाया जा सकता था, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और दूसरा, जो जिंदा लोग हैं जिनके खाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके सब कुछ कमाने वाले आदमी चले गए हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जो अकेले यंग विडो हैं, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, पति चले गए जो कमाने वाले थे। मेरी मांग ये है कि उन विवाहों के लिए,
उनके लिए विशेष पेंशन होनी चाहिए, बच्चों को ग्रेजुएशन तक उनकी पढ़ाई लिखाई और उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए नौकरी के लिए, वो बच्चे कहां जाएं। आरती जी हमारे साथ मौजूद है, उनको माइक दीजिए। आरती जी, क्या शिकायत है अब आपकी? आपका बच्चा भी आपके साथ है जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और आप कह रही हैं कि अब कमाने वाला पैर में भी परेशानी है, आप चल नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, क्या तकलीफ है? इस एक साल में क्या आपकी गुजारिश रहेगी? मैम, एक साल में इतनी सारी प्रॉब्लम हुई और मैं अपने घर में किस तरीके से अपना समय बिताती हूँ ये शायद कोई नहीं जानेगा। हर घर हर जगह पर मैंने दरवाज़ा खटखटाया कि भाई मेरी मदद की जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे हस्बैंड चले गए हैं, उनको भी आपने नहीं ढूँढा, कम से कम मेरी मदद कीजिए। मैंने कई न्यूज़ में भी बोला है कि प्लीज़ मेरी आवाज़ सरकार तक भेजिए कि वो मेरी कुछ मदद करें, आगे आएँ, क्योंकि मैं चल नहीं सकती, मुझे नौकरी दिलाएं, मुझे कुछ ना कुछ कराएं, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं आया। कृष्णा नगर में डॉक्टर हर्षवर्धन है, उनके पास मैं 3-4 बजे के मिल चुकी हूँ फेस टू फेस के, मेरी मदद कीजिए, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मकान का किराया नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन उन्होंने भी मेरी अभी तक कोई मदद नहीं की। कहते हैं हम सिर्फ लेटर बना के दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। केजरीवाल जब आए थे उनसे भी मिली, उन्होंने ही बोला हम इलेक्शन जीतेंगे तब आपकी मदद करेंगे, ठीक है, उन्होंने भी नहीं की। उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम पहले मैं थाने में FIR के लिए SDM ऑफिस गई तो उन्होंने कहा कि आपकी फाइल भेज रहे हैं उत्तराखंड, अब वहाँ से कुछ जवाब आएगा तभी आपके लिए कुछ होगा। मैम, मैं एक साल से यही सुनती आ रही हूँ लेकिन अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करें? कभी कभी मन करता है कि सुसाइड कर लूँ, लेकिन बच्चे को छोड़ के ये भी नहीं कर सकती। छोटा सा बच्चा है, कहता है मुझे स्कूल जाना है, मम्मी मुझे ये सिखाओ वो सिखाओ, कहाँ से सिखाऊंगी मैं, कैसे उसके सपने पूरे करूँ? उसको ये तो मैंने समझा रखा है कि पापा भी आएंगे, उसे ये नहीं पता कि कभी नहीं आएंगे, ये मैंने कभी बताया नहीं उसको। एक मायूसी भगवान के दरवाजे पर लगी और एक इस सरकार और प्रशासन और उसकी लापरवाही के सामने। ताकि संवेदनाएं न मर जाएं हमारे और आपके अंदर, इन तस्वीरों को सिर्फ तस्वीर मत समझिएगा जिसे सीने से लगाए ये लोग बैठे हैं, इनका पूरा दर्द, पूरी जिंदगी और तमाम यादें इन तस्वीरों में सिमट गई हैं। आप देखते रहिए आज तक।